जाता है और अमित शाह के आने से यहाँ के लोगों का जो उत्साह है वह दुगना हो गया है और काफी भारी मतों में आप आपके चैनल के माध्यम से आग्रह होगा कि रांची लोकसभा के जो भी वोटर है कृपया जरूर से जरूर जाकर मतदान करें। और स्टार प्रचारक के रूप में कई दिग्गज नेता आते हैं तो कितनी मजबूती मिलती है पार्टी के साथ साथ प्रत्याशी को, आप खुद देख रहे हैं जिस प्रकार से घरों से लोग निकल कर यहाँ घंटों इंतजार कर रहे हैं हमारे जो लोकप्रिय नेता हैं श्री अमित शाह जी का, तो ऐसे स्टार प्रचारकों के आने से निश्चित रूप से जो वोट की जो संख्या है उसमें वृद्धि होती है और लोग ज्यादा उत्साह के साथ मतदान करते हैं। कई नेताओं से हमने बातचीत कर लिया, अब आम जनता की बात करेंगे, कितना एक्साइटेड है? एक्साइटेड है? हमको नहीं पता कुछ, पता ही नहीं है कौन आ रहा है, कितना एक्साइटेड है? हाथों में पुष्प की वर्षा, अभी आप थोड़ी देर के बाद करने वाले, कितना एक्साइटेड? बहुत बहुत अजीब। पहले कभी देखे अमित शाह को? नहीं देखे। क्या लगता है क्या बदलाव होगा रांची में? अब ऊपर वाला जो समझे। तो देखिए लोग जो है वो हाथों में पुष्प लिए खड़े हैं कि कब अमित शाह का काफिला जो है कब रोड शो करते हुए अमित शाह यहाँ से गुजरेंगे और यहाँ के लोग जो है वो पुष्प वर्षा करेंगे। देखिए सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके सहयोगी है दिनेश, वो आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे ताकि आप तक वो तस्वीर पहुंच पाए कि यहाँ पर किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई थी। देखिए आपकी बार 400 पार, तो लगातार ये जो नारा है बीजेपी की ओर से ये दी जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक चुनावी सभा में यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आपकी बार 400 पार। और देखिए हर एक हॉल्ट में लोग जो है एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, हाथों में एक पेपर लिए खड़े हैं, एक बैनर लिए खड़े हैं और उसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं, वो राज्यवासियों को देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही नारा जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं कि अब की बार 400 पार। इसके साथ ही अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी की ओर से ये कहना है, एनडीए की ओर से कहना है कि इस बार 14 की 14 के खाते में आएगी और यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में हर एक जो प्रत्याशी है बीजेपी के वो इसी तरीके से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। दिग्गज नेता जो है वो झारखंड पहुंच रहे हैं और अलग अलग लोकसभा सीट में जा रहे हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र जा रहे हैं और वहां पर दावे वादे कर नजर आ रहे हैं, जो वोटर्स है जो लोग है उसे रिझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि माना जाता है कि जब कोई दिग्गज नेता झारखंड पहुंचते हैं या अलग जगहों पर पहुंचे तो वहां पर प्रतिशत है उसमें थोड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलता है, 5-10% जो उछाल है वो देखने को मिलता है और यही वजह है कि जो दिग्गज नेता है वो आप पहुंचते अलग अलग जगहों पर। अगर झारखंड की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अब का जो है वो रांची में हो रहा है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे हालांकि रांची रोड शो था, ये रोड शो देख रहे हैं और भारी भीड़ देख रहे हैं कि कितने लोग अमित शाह को देखने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको बता दें अभी कुछ दिन पहले ही आपने पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो देखा था, उस वक्त भी आपने ऐसी ही कुछ भीड़ देखी थी और आज आप अमित शाह का रोड शो देख रहे हैं। और भीड़ की अगर देखेंगे तो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ कई और भी जो पब्लिक है आम पब्लिक वो भी यहाँ पर जुटी हुई है और अमित शाह को देखने के लिए आई हुई है। और देखिए ये जो रोड शो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे जो पब्लिक है वो भी आगे बढ़ रही है और अमित शाह सबका अभिवादन करते हुए अब की बार 400 पार के कई लोग बैनर पोस्टर लेकर भी खड़े हुए हैं, सभी लोग जो है अपने मोबाइल के कैमरे ऑन रखे हुए हैं कि हर किसी भी तरह से अपने नेता की तस्वीर ले ली जाए, यहाँ पर अमित शाह की फ़ोटो लेने के लिए लोग खड़े हुए हैं। और आप अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो देखिए लोकसभा चुनाव पर रोड शो का कितना असर पड़ेगा। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएम के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।